सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के खास मौके यानी कि 12 नवंबर को रिलीज की गई और पहले ही दिन इसने बम्पर कमाई के साथ ओपनिंग की। ये सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। अब तक भारत सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ओपनर थी, लेकिन अब इसकी जगह टाइगर 3 ने ले ली है। और दिलचस्प बात ये भी है कि टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग से पहले दिन 22.97 करोड़ की कमाई हुई थी, जबकि रिलीज डेट वाले दिन 21.53 करोड़ की स्पॉट बुकिंग भी हुई है। हालांकि दिवाली वाले दिन रिलीज करने के कारण फिल्म को थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ा। दरअसल ओपनिंग डे की कमाई के मामले में टाइगर 3 शाहरुख खान की पठान और जवान को पछाड़ नहीं पाई। ओपनिंग डे पर टाइगर 3 का कितना बिजनेस रहा, इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दें, यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 को लेकर फैंस और दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिला। फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ के साथ साथ इमरान हाशमी और शाहरुख खान को भी देखने के लिए फैंस बेताब नजर आए। यही वजह रही कि रविवार यानी कि 12 नवंबर को दिवाली होने के बावजूद भी भारी संख्या में लोग थिएटर जा पहुंचे और टाइगर 3 को एंजॉय किया। थिएटर्स के बाहर खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग लगातार नाच रहे थे। वहीं सिनेमा घरों में पटाखे तक जलाए गए। दोपहर 3 बजे तक के शोज में फिल्म ने खूब कमाई की, उस पर उसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह दिवाली का त्योहार और लक्ष्मी पूजा रही, लेकिन फिल्म तो असली काम दिन के शोज में ही कर चुकी थी। दिवाली पर टाइगर 3 को कमाई का दोपहर 3 बजे तक भरपूर मौका मिला और यही वजह रही कि इसमें तगड़ी कमाई उन्होंने कर ली और सलमान खान के करियर की ये सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली साइट सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर 3 ने पहले दिन सभी भाषाओं में 44.50 करोड़ का कलेक्शन किया। रविवार को मॉर्निंग शो में जहां 36.55% ऑक्यूपेंसी रही, तो वहीं दोपहर के शो में दर्शक देखने को पहुंचे, जिसके कारण ऑक्यूपेंसी 42.72% पहुंच गई। शाम को ये थोड़ी सी घटी रही, लेकिन नाइट शो में टाइगर 3 के लिए और क्रेज देखने को मिला। रात में शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 46.18% रही। टाइगर 3 सलमान खान के करियर की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है। पहले 42 करोड़ की कमाई के साथ भारत सलमान खान की ओपनर थी, लेकिन अब टाइगर 3 है। हालांकि ये शाहरुख खान की पठान और जवान का पहले दिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। ओपनिंग डे पर पठान ने देश भर में 57 करोड़ कमाए थे। वहीं जवान की बात की जाए तो इसने सभी भाषाओं से कमाई 75 करोड़ और सिर्फ हिंदी भाषा में 65.5 करोड़ की थी। इस हिसाब से भले ही टाइगर 3 की पहले दिन की कमाई का आंकड़ा कम हो, पर फिर भी काफी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 बजे तक भारी संख्या में लोग फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे और शोज भी हाउसफुल नजर आए, लेकिन 3 बजे के बाद दिवाली सेलिब्रेशन और लक्ष्मी पूजा के कारण ऑडियंस की संख्या घटने लगी। पूजा के कारण ही कई जगहों पर थिएटर जल्दी बंद हो गए। जाहिर है इसका असर टाइगर 3 की कमाई पर तो पड़ेगा ही, और असर भी देखने को साफ साफ मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी 44.5 करोड़ रुपए की कमाई करना भी वाकई काफी मजेदार बात है। कुछ दिन पहले तक ऐसे आसार लग रहे थे कि टाइगर 3 ओपनिंग डे पर सिर्फ 30 करोड़ की कमाई कर पाएगी, लेकिन एडवांस बुकिंग खत्म हुई तो अनुमान लगाया जाने लगा कि पहले दिन का बिजनेस 40 करोड़ रहेगा। अब तक जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक टाइगर 3 पहले ही दिन 40 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। क्या आपने टाइगर 3 देख ली? अगर देख ली तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सलमान खान की टाइगर 3 आखिर कैसी लगी। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।